नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप क्लैश ऑफ क्लेंस गेम को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने फोन में क्लैश ऑफ क्लेंस गेम को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो और गाइज अगर आपको नहीं पता कि इस गेम को अपने फोन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे खेल सकते हैं, तो गाइज आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना और गाइज आपको ऑल पर सेट कर लेना, इससे आने वाली हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्लैश ऑफ क्लेंस गेम को अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले गाइज़ आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको जो है सर्च बार पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको सर्च करना है क्लैश ऑफ क्लेंस। जी हाँ गाइज, जैसे आप ये सर्च करोगे तो गाइज़ आपके सामने ये वाला गेम आ जाएगा। और गाइज़ अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको इंस्टॉल ऑप्शन पर क्लिक करना है। और गाइज़ इस गेम की अभी जो है 500 मिलियन डाउनलोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। और गाइज़ ये जो गेम है 1.74 MB का है। तो गाइज़ अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हो तो जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करोगे तो गाइज़ इस गेम की डाउनलोडिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइज़ आपको कम्प्लीटली इसको डाउनलोड होने देना है। जैसे ही डाउनलोडिंग कम्प्लीट हो जाएगी इस गेम को आपके ओवर में ये गेम जो है ऑटोमेटिकली जो है इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिलहाल जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। और डाउनलोडिंग कंप्लीट होने के बाद इस गेम को आप अपने वॉल में जो है इंस्टॉल करके आप इस गेम को बड़ी आसानी से आप खेल पाओगे। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप प्ले स्टोर से अपने वॉल में क्लैश ऑफ क्लेंस गेम को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना।